ये हमारे आगे बुलेट देख सकते हो भाई, ओरिजिनल है। जैसे कि आपने प्रीवियस व्लॉगों में देखा ही होगा, आज हमारी रेस से लगेंगे आज हमारे ग्रुप में बोल लोगे। ये देखो सारे, हाँ अगर कल की वीडियो नहीं देखी तो भी आगे देखो, आई बटन में लिंक शो हो रहा है। तो यार इनके पास है एक 125 सीसी 2012 में है और बाकी स्लो हैं, ये वाले सबसे फास्ट है। इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर गोप्रो रेंट कर सकते हो, बट मेरे पास अपना है यहाँ पर गोप्रो। यहाँ पर भाई गो कार्टिंग करने से पहले ये फॉर्म भरवाते हैं, अपनी सारी डिटेल लिखनी पड़ती है, डिपॉजिट भी लेते हैं थोड़ी बहुत मनी है। A few moments later, गो कार्टिंग के बाद हम आ गए हैं सीधा शूटिंग रेंज, आवाजें सुन ही रहे होंगे। तो ये सेम प्लेस ही है जहाँ पर हम लास्ट टाइम आए थे, तो शायद अगर किसी ने प्रीवियस व्लॉग देखे होंगे तो उनको पता होगा। तो ये पानी की बोतलें रखेंगे आगे, और हमने एक शॉटगन ली है और एक स्नाइपर ली है हमने, और उसके अलावा हमने पिस्टल लिए हैं ग्लॉक, और ये हमारी आ गई भाई शॉटगन, और ये हमारे आ गए बुलेट देख सकते हो भाई ओरिजिनल है। और काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पर ओरिजिनल होती है कि नहीं, तो भाई ये ओरिजिनल बुलेट हैं और ओरिजिनल गन्स होती हैं यहाँ पर, आप आ सकते हो प्ले कर सकते हो। इसके लिए आपको सिर्फ पैसे पे करने हैं, इनका जो चार्जेस होता है भाई 1500-2000 के आसपास होता है चार्जेस। और ये भी सेटिंग कर रहा है देख सकते हो प्लेट्स, और इसमें हमने लिए हैं 20 बुलेट लिए हैं, तो जो हमारे मेम्बर हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं तो सारे चलाएंगे 5-5, 6-6 बुलेट, गुस्सा निकालेंगे अपने बुलेट चलाएंगे। हमारी जो शूटिंग डन हो गई है, मैंने ज़्यादा सीन नहीं लिए क्योंकि मैं ऑलमोस्ट दिखा चुका हूँ, पहले ही दिखा दिया मैंने। फुकेट के अंदर काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं यार, आप शूटिंग रेंज जा सकते हो, और भी जैसे टाइगर पार्क है यहाँ पर, वो सारा कुछ मैंने अपने प्रीवियस ब्लॉगों में दिखाया हुआ है, जाके आप पहले पुराने ब्लॉग चेक करो फिर आपको दिखाएंगे। और भी कुछ दिखाते हैं देख सकते हो भाई, ये बुलेट से भरा पड़ा है क्या बात है। खुद ड्राइव करके चले गए यहाँ से फॉर्चुनर, और हमको दूसरी गाड़ी पकड़ के आना पड़ा, सारे लोग गाड़ी के पीछे बैठ गए थे तो डालने वाली गाड़ी थी, तो यार चले गए यहाँ पर ना एक पार्टी प्लेस है, और ना उसका नाम बता देता हूँ आपको, तान करके है, तान पता नहीं तान कुछ ऐसे करके, मैं जाके दिखा ही देता हूँ। और दूसरी गाड़ी से हम जा रहे हैं, तो मैं एक्चुअली मतलब पूरा नहीं आया, फिर मैंने कहा चलो पहले आप जाओ फिर मैं आ रहा हूँ। पतोंग से हम निकल रहे हैं काटा बीच की तरफ, और हमारा जो बीबी है लेके जा रहा है हमको उधर। हाथ तेरा तो हो जाएगी, मैं खोल दूँगा।
अरे बोल रहे ऐसे ना किसी के जान ही नहीं मुंह कौन में बैठ के रे बलवंत राय ओ बलवंत राय एक्चुअली यार हम मंदिर तो आ गए हैं और खाना पीना हमारा हो गया है तो भाई अभी 9 बजे यहाँ पर फिर से फायर शो है अभी मतलब 15-20 मिनट पड़े हैं अभी बीच पे बैठ रहे हैं यहाँ पे बहुत बढ़िया प्लेस है और बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है यहाँ पर बहुत मज़ेदार वाली प्लेस है भाई का फायर शो बहुत बढ़िया था और बाहर बारिश आ गई उसके बाद यहाँ पर एक अंदर प्राइवेट जगह बनी हुई है तान टेरेंस बीच क्लब है यहाँ पर देख सकते हो और पिछल नियॉन कलर की है यहाँ उन्होंने भाई टेबल दे दी हमको यहाँ पर अंदर और यहाँ पर बैठेंगे हम अपना सिद्धू मूसे वाला जाएंगे यहाँ पर भाई सिद्धू मूसे वाले के गाने चलेंगे और यहाँ पर डीजे है इनका देख सकते हो तो यार रात को ना पूरा इंजॉयमेंट करा था हमने और अगले दिन से स्टार्ट कर रहा हम लोग और भाई हमारे को हो गया जुकाम और भाई के लिए दवाई ली है अभी और बहुत मज़ा करा बहुत बढ़िया तान बीच क्लब बहुत बढ़िया था और अभी वॉकिंग सीट में घूम रहे हैं देख सकते हो तो ठीक है आज का हम लोग यही एंड करते हैं बहुत जल्द मिलते हैं आपको नए ब्लॉग के साथ फिलहाल के लिए चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे आपको